हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अशरफ सिद्दीकी आज आपके लिए लेकर आया सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा होने वाले इंसिडेंट जिससे लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फिर परेशान होने के कारण जल्दबाजी में उल्टे सीधे फंक्शन दबाना, फिर दुकानों पर चले जाना और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना कि फ़ोन अब कैसे यूज़ करें, जिसे कहते हैं टॉक बैक और स्क्रीन रीडर भी कहते हैं, और डबल टैप पे फिर वो वर्क करता है। तो जानेंगे ये मेन्यू कहाँ पे मिलता है और इसे डिसेबल कैसे करते हैं, और अगर ये ऑन हो जाए तो इसे ऑफ करने का वे, जो प्रॉपर इजी वे है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आपको इससे समझ आ जाएगा कि इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप बहुत ईजिली इसे आप ऑफ कर सकते हैं, परेशान ना हो, ताकि आपको फ़ोन यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सेटिंग में चले जाते हैं, एक मिनट मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा इजी रहेगा मेन्यू देखना। सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फंक्शंस नाम का कोई ऑप्शन है यहाँ पे, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद आता है टॉक बैक। टॉक बैक अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो लाइक ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास कस्टमर्स आते हैं ये प्रॉब्लम ले करके कि भैया देखो ये क्या हो गया, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा, मेरा फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टाइम पर आपका सिंगल टैप कभी भी यूज़ नहीं होगा, सिंगल हैंड से आप यूज़ नहीं कर सकते फ़ोन, हमेशा आपको डबल टैप करके ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि ये अभी भी बोल रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ, वेट, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, ये अभी भी काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो ये होती है चीज़। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, परेशानी होंगे जिसे नहीं पता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कभी भी सिंगल टैप ना करें, इस पर डबल टैप ऑफ ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आए, डबल टैप किया, सिंगल टैप पे नहीं होगा, डबल टैप करना पड़ेगा तब ये ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है और हमेशा इसको ऑफ करके रखें, कभी भी दोस्तों इस फंक्शन को ऑन ना करें। ये वॉल्यूम डाउन बटन से ये ऑन हो जाता है, जल्दबाजी में आप ट्रिपल बार दबा देते हैं और ये ऑन हो जाता है, तो इसको हमेशा डिसेबल रखें। और मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी टॉकबैक लग जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल टच से, जैसे अभी ये सिंगल टैप से काम हो रहा है, उस टाइम पे सिंगल टच से काम नहीं चलता, आपको डबल टैप, टू फिंगर का यूज़ करना पड़ता है, और किसी पे भी मेन्यू में एक्सेस करने के लिए आपको उस चीज़ को दो बार प्रेस करना पड़ता है, वहाँ पे दो बार टैप करना पड़ता है, तब वो मेन्यू के अंदर में जाएगा और वो चीज़ क्लोज होगा। तो आई होप आपको, आप इन फ्यूचर चाहे कोई भी फ़ोन हो, सब फ़ोन में ऐसे ही ये वर्क करता है। सेटिंग्स में जाना पड़ता है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर टेक्नो का फ़ोन है तो स्पेशल फंक्शन, एक्सेसिबिलिटी और टॉक बैक, इसे आपको इस तरीके से ऑफ करना है। अगर कोई ओप्पो वीवो वगैरह होगा तो उसमें भी आपको सेटिंग में यहाँ पे जाने के बाद आप टॉक बैक ऑन टाइप कर दें और इसे इस तरीके से सर्च कर दें। याद रहे आपको डबल टैप करके ऑन करना है तभी वो ओके होगा, लाइक ये जैसे ओपन हो गया, इस तरीके से सब फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन होगा और उस तरीके से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी मेरे चैनल पे वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर आता रहूँगा और मेरे चैनल पे आपको पता ही है हर तरह की अनबॉक्सिंग्स मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो, जल्द से जल्द 5K
सब्सक्राइबर करना है तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू। और भी कोई अगर ऐसी कोई क्वेश्चंस या क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं रिप्लाई भी करूँगा और उसके अगेंस्ट पे मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों।